साल 2024 के पहले दिन मध्य प्रदेश की मोहन सरकार प्रदेशवासियों को नई सौगात देने जा रही है। आज से प्रदेश के सभी 55 जिलों में साइबर तहसील की शुरुआत होने जा रही है। इस व्यवस्था के बाद प्रदेश के किसी भी जिले में एग्रीकल्चर भूमि की बगैर बंटान वाली रजिस्ट्री होते ही 15 दिन में नामांतरण खुद हो जाएगा। साइबर तहसील परियोजना सभी प्रदेश के 12 जिलों में संचालित हो रही है। इन जिलों में दतिया, सीहोर, इंदौर, सागर, डिंडौरी, हरदा, ग्वालियर, आगरमालवा, श्योपुर, बैतूल, विदिशा और उमरिया जिला शामिल है। साइबर तहसील की व्यवस्था के लिए राजस्व विभाग द्वारा मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 में संशोधन कर धारा 13 क में साइबर तहसील स्थापना के प्रावधान किए गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी की मध्य प्रदेश की जनता को दी गई संकल्प पत्र 23 की गारंटियों की पूर्ति के लिए सरकार संकल्पबद्ध है। इसी कड़ी में 1 जनवरी 2024 से पूरे प्रदेश में साइबर तहसील की व्यवस्था लागू करने का फैसला लिया गया है। बहरहाल सीएम डॉक्टर मोहन यादव इस नई व्यवस्था का शुभारंभ खरगोन के नवग्रह मेला ग्राउंड में आयोजित भव्य कार्यक्रम के दौरान करने जा रहे हैं। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी वर्चुअली जुड़ सकते हैं। साइबर तहसील में पंजीयन से नामांतरण तक की प्रक्रिया लागू है। साइबर तहसील को 4 अलग अलग प्लेटफॉर्म जैसे संपदा पोर्टल, भूलेख पोर्टल, स्मार्ट एप्लीकेशन फॉर रेवेन्यू एप्लीकेशन पोर्टल और रेवेन्यू केस मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल से जोड़ दिया है। बता दें कि सीएम ने शुक्रवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी और उन्हें साइबर तहसील व्यवस्था के लोकार्पण का न्योता दिया था। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।